उत्तक का नाम बताइए। प्रश्न कोई पूछा और दोनों में कुछ अंतर बताइए, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन किसी ने कहा कि दो तरल, तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था, दो तरल उत्तक का नाम बताइए और उनमें क्या अंतर है उसको बताइए। तो सुनो सब लोग, तरल, तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था। तो दो ऐसे होते हैं ना जो तरल अवस्था पाए जाते, एक रुधिर और एक होता है लस्सी का, और दोनों में अंतर है। तनी रुधिर में RBC अधिक मात्रा में पाया जाता है, लसिका में कम पाया जाता है। रुधिर में WBC कम पाया जाता है, लसिका में अधिक होती है। रुधिर में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, लसिका में कम होता है। बात समझ रहे ना? तो क्यों पूछे कब कि दो तरल उत्तक का नाम आती है तो बता दोगे का का? वाह कितने अच्छे होते नहीं तो बता नहीं कि दो तरल उत्तक रुधिर तथा लसिका है, लसिका है। अभी कहा था कि रुधिर और लसिका में अंतर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चलो, इधर रुधिर लिखा गया उधर लसिका लिखा गया। तो पहला लिखना कि इसमें का अधिक पाया जाता है, RBC। RBC का पूरा नाम, हाँ तो चलिए लिख लीजिए। इसमें RBC अधिक पाया जाता है, RBC अधिक पाया जाता है। ये माथा से अब हम आपका समझाने एक बात फिर आप लोग, इसमें RBC कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। उसमें अधिक इसमें कम, उसमें अधिक तो इसमें कम, इसमें कम तो इसमें अधिक। हाँ तो इसमें कहा अधिक, WBC अधिक होता है ना जी, कम होता है, कम कम पिया लेकिन राम पिया, ये बात है। हरदम पिया बियर पिया लेकिन राम, अरे जब शादी होगा तो आपका हस्बैंड पिएंगे तो देख लेना, इसलिए आप WBC अधिक होता है। आपका पियाएंगे अभी तो निकले, ले लो ले लो, कहेंगे मेरी डीयर ले लो बीयर। हाँ इसमें प्रोटीन अधिक होता है बाबू, इसमें प्रोटीन अधिक होता है। और इसमें प्रोटीन काम होता है। चलो भाई ये तो ये क्वेश्चन पार घट लग गया, तुम लोग को मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाना है।